बस ये जो मैं पुदीने को ग्राइंड कर रही हूँ इसको मैं सेव कर लूँगी, और जब भी मेरा दिल करेगा स्प्राइट में मशरूम पीने का तो मैं उसमें थोड़ा सा डाल लूँगी। ये एक आपका मशरूम तैयार होने लगा है, और जब आपको ज़रूरत पड़े इसको किसी भी मशरूम में यूज़ कर सकती हैं। सिर्फ 5 मिनट मैंने किया, 5 मिनट में आपका मशरूम तैयार हो गया है। अभी बस ये देखें, बस ये देखें ये ऊपर झाग आ गई। इसको हम ऐसे ऐसे ये देखें घुमाते जाएंगे तो ये पानी बनता जाएगा, ये झाग। ये देखें कैसे डार्क झाग थी, इसको मैंने ये देख खोल लिया, ये देखें पानी बन गया है। और ये देखें ये पुदीने का पानी है। अब इसमें ये मैं स्प्राइट मेरे पास थोड़ी सी है मेरे लिए पड़ी हुई है, मैं अब इसको इसमें डाल दूंगी तो ये बन जाएगा स्प्राइट और पुदीने वाला पानी शेक, स्प्राइट शेक बन जाएगा, ठीक है। और ये मैंने बर्फ़ रख ली है, और ये है ज़ीरो शुगर फ्री मैं यूज़ करती हूँ, और मैंने अपनी ग्लास में डाल लिया। वाह वेरी टेस्टी, काम हो गया। और अब ये मैंने जितनी बर्फ़ यूज़ करनी है क्यूब्स डाल लिए मैंने, पिघल गई है बर्फ़, ये देखें मुझे इतनी बर्फ़ बहुत है। तो व्यूअर्स कैसा लगा ये पुदीना और स्प्राइट का जूस? अब इसमें अगर आप आड़ू डालें, कुछ भी डाल सकती हैं आप, उसमें पुदीने का ये फ्लेवर डाल सकते हैं। ये मैंने अब इसको सेव कर लिया है, आप कोई भी मशरूम तैयार करें और इस फ्लेवर को यूज़ करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नसरीन गुलशन के चैनल को मत भूलिए। अच्छी बातों को दूसरों तक पहुंचाना हमारे लिए ज़रूरी है।